स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन लेक्चर्स। ठीक, इससे पहले हमने एम्पियर सेकेटरी लॉ भी पूरा कवर कर लिया, बायर सर्वेट लॉ भी पूरा कवर कर लिया और मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए तो आखिरकार ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं 10 साल प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम डेरिवेशन वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन हम पहले ही कर के आ चुके हैं, और इस वीडियो के बीचों बीच में मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल लूप्स दिए गए हैं, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको आसान हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसमें पॉइंट ओ दिया गया है, यहाँ पास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2R है, एज इसमें करंट फ्लो है इसमें। ठीक, अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें उसको मैं नोट करते जाऊँगा। पहला, इफ अ टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप पी एंड क्यू, हमारे पास दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप पी और क्यू दिए गए हैं, ईच ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग अ इक्वल करेंट कीप्ड इन अ पैरेलल हैविंग अ कॉमन एक्सिस थ्रू ओ, मतलब इनमें दोनों का ही रेडियस कितना है, इक्वल करंट। पहली बात तो बोल रहा है इक्वल करंट दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों का रेडियस ही भी इक्वल है, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी आर है, ये चीज भी अपने क्लियर है। अभी करंट का डायरेक्शन नहीं बोला इसलिए अपन मैं कुछ नहीं ड्रॉ नोट कर रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पी इज क्लॉकवाइज एंड क्यू इन एंटी क्लॉकवाइज, पी में ये करंट क्लॉकवाइज है, तो एज ये लूप ना इस तरह से कुछ रखें, इस तरह से एक लूप और दूसरा इस तरह से लूप रखा हुआ है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे तो एक कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे ये इस तरह से रखा गया है तो उस सामने वाली फेस के हिसाब से शायद ये क्लॉकवाइज रहे, तो ठीक है। तो जस्ट इसके वाले के लिए भी ये क्या हो जाएगा, कुछ इसके फेस के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों चीज क्लियर है। चलो तो ये आ जाएगा फ्रंट फेस, तो इसमें मान लो क्या मान लेते हैं क्लॉकवाइज, इसमें दिया गया है कि किस साइड डायरेक्शन, तो सनली जिस तरह से दिया गया है तो उसी तरह से मान लेते हैं, हो गया। क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, पी में क्लॉकवाइज है और क्यू में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक समझ आ गया। चलो, एज अ सीन ऑन द फिगर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लूप पी एंड क्यू, ठीक है, जो कि इक्वी डिस्टेंस में रखे हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, अगर ओ पॉइंट से ये डिस्टेंस का और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट कितना हो जाएगा, मतलब अगर ये दोनों दोनों आर डिस्टेंस पे है तो ये बीचों बीच का मिड पॉइंट है ओ, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एज इज पॉइंट हो जाएगा अपना, यहाँ पास से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो जाएगा। चलो ये क्लियर है। इसके बाद अपने को निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे बी नेट क्या आएगा ये अपने को फाइंड करना है, ये अभी क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो डिटेल्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर साइड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक सेम साइड पे होगा तो हम एज बी नेट निकालने के लिए दोनों मैग्नीट्यूड यानी दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट साइड में, मतलब इस तरह से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम बी नेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब बी नेट में ए बी टू माइनस बी वन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कर देंगे तो फाइनली अपने को मालूम चल जाएगा। बट अगर दोनों अपोजिट साइड होगा तो सिंपल से सारी चीजें आइडेंटिकल है तो डायरेक्टली ही जीरो हो जाएगा अगर, ठीक है। बट यहाँ करंट का डायरेक्शन के हिसाब से अपन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो अप होगा, तो इसको दिखाने के लिए सिंपल ये बेल्ट रखा है यहीं पास, बेल्ट से ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक लूप बोल रहा है कि इस तरह से रखा गया है पी लूप और उसके जस्ट पीछे क्यू लूप रखा गया है, समझ आए, मतलब एक लूप यहां रखा गया है दूसरा लूप यहां रखा गया, अब ये इस तरह से रखा है, मतलब ये ऐसे जैसे कि एक लूप यहां रखा है दूसरा लूप इसी तरह से फेस में इस तरह से रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट आपकी तरफ घुमाए दे रहा हूं। ठीक, एक में बोल रहा है करंट,
क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट कुछ इस तरह से घूमेगा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लो, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन इधर साइड है, इसके लिए फेस के लिए यूज करें तो करंट का डायरेक्शन इधर साइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जिधर साइड थंब, जिधर साइड मेरी कर्ली फिंगर्स जाएंगी उधर ही साइड मैग्नेटिक, तो मैं मूव कर रहा हूं तो इधर साइड जा रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पी बी पॉइंट पे इधर साइड है, ठीक है, बी नेट का डायरेक्शन इधर साइड है, समझ आया। इसके किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, अभी एक का निकल गया, दूसरे के लिए यहां पी था, जस्ट इसके अपोजिट यहां पास क्यू है, ठीक है, क्यू में एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से घूमेगा, समझ आया, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इस साइड से घूमेगा, ठीक है। तो मैं यहां पास रखता हूं अपने फिंगर को और मैं अपने फिंगर्स को इस तरह से रोटेट करता हूं, जिधर साइड मेरी फिंगर्स का डायरेक्शन जाएगा, ठीक है, थंब का डायरेक्शन करंट की ओर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसका उल्टा होगा, देखो क्लॉकवाइज इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में अपने फिंगर्स को रखूंगा, ठीक है, थंब को, और जस्ट इसको मूव करूंगा, तो मेरा डायरेक्शन भी बाहर साइड ही मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का ही डायरेक्शन एक ही साइड मिल जाएगा, ठीक है, बी का डायरेक्शन भी इधर ही मिल रहा है और क्यू का डायरेक्शन भी इधर ही मिल रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड मिल रहा है, समझ आई बात। तो ये दोनों एडिशनली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, अगर ये दोनों को बोलेंगे तो सिंपल बी नेट, अब इस केस में क्या आएगा, बी नेट इज इक्वल्स टू, इसको मान लेते हैं बी वन और इसको बी पी माने बी क्यू माने, मान लो यही मान लो बी पी प्लस बी क्यू हो जाएगा इस बी नेट के केसेस के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा BP प्लस BQ हो जाएगा, दो मिनट इधर कुछ ये केसेस हो जाएंगे। तो सिंपल सा एक रिंग के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है O पॉइंट पे, और दूसरे मैग्नेटिक दूसरे के रिंग के कारण इस O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, दोनों को हम ऐड कर देंगे और अपना फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। तो B एंड Q अपने को दोनों ही जगह पे सेम मिल रहा है, ठीक है, हर एक अगर ये इन दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम है और सारी चीजें इसमें बोला गया है, पहली चीज आइडेंटिकल है, तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं इसी कंक्लूजन के थ्रू, BP इज इक्वल्स टू BQ, तो इस इक्वेशन में यूज करो तो B नेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू ऑफ BP के हिसाब से ले लो तो BP आ जाएगा टू ऑफ BP, समझ आया। वीडियो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, एक नंबर, एक बार और थोड़ा सा क्लियर और ज्यादा क्लियर, ठीक। अब बी नेट की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो बी नेट इज इक्वल्स टू टू ऑफ बी पी, एक के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ले लो और बाकी सारा चीज हो जाएगा अपना उसी में एंड। तो बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो बी पी मतलब इस एक सर्कुलर रिंग के कारण एक्सिस पे क्या आती थी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस पे जनरली ये आती थी, अब एक इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ, फिर इस रिलेशन के हिसाब से अपन इक्वेट कर लेंगे उसे, ठीक है ना। तो जैसे अकॉर्डिंग टू अगर बायोट सर्वेट लॉ यूज करता हूँ तो मेरा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू पाई आर इंटू आई बाय क्या आता था, टू पाई आर इंटू आई बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल थ्री बाय टू, यही इक्वेशन आता था, आई थिंक सो, क्या आता था, यही इक्वेशन आता था, देख लो एक बार, कहीं पास गलती हुई हो तो बता देना, हाँ एक जम, ठीक ठीक है, बस ये आर स्क्वायर होगा, जनरली ऊपर में भी आर स्क्वायर होता था, नीचे में थ्री बाय टू हो जाता था, ठीक है, ये आता था इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन का हम फर्दर यहां पास पुट कर देंगे, पहले इससे पहले इसको भैया इसके तरफ से इक्वेट कर दो, ठीक है, इक्वेट कर देते हैं भाई लोग, तो ये b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई टू पाई आर स्क्वायर आर आर, यहाँ आर यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आर को चेंज करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन के हिसाब से, i बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही पुट कर दो, ठीक है, ये आर स्क्वायर क्या होता था, जनरली यही वाला रेडियस को आर स्क्वायर लिया जाता था। इसके बाद एक्स, एक्स जो हम उस इक्वेशन में यूज करते थे वो लेंथ होता था, डिस्टेंस होता था, ठीक है, उसको एक्स लिया जाता था, बट यहाँ डिस्टेंस क्या है, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, ये भी तो आर ही है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और इसका होल थ्री बाय टू, समझ आए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इक्वेट करके यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं,
ये फाइनली आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ऑफ आर स्क्वायर का होल 3 बाय 2। अब इसको थोड़ा सा यहीं पास एक ही जगह पे इक्वेट कर लो क्योंकि मेरे पास बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है। तो मैं ये 2 क्या आया है मेरा 2 ऑफ आर स्क्वायर 3 बाय 2 आया है, ठीक है ना। मैं इसी को 2 को ऊपर 3 बाय 2 लिखे दे रहा हूं और उसके बाद में जस्ट r के ऊपर, ये जस्ट r के ऊपर 3 बाय 2 लिखूंगा तो r की पावर 3 आ जाएगी। और इसको कैंसिल कर दोगे तो इसको रब कर दूं, ठीक है ना। चलो तो इसको कैंसिल कर देंगे ये पावर को, तो b net is equals to 2 of mu not 4 pi into 2 pi r, और एक r यहाँ पास है 3, तो ये पूरा r गायब और यहाँ आई बाय ये r बचेगा और ये 2 ऑफ की पावर 3 बाय 2। और जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं तो उसको कैंसिल कर लेना, ठीक है ना। जैसे ये पूरा 4 हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन कुछ म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 की पावर 3 बाय 2 इंटू r ये आ जाएगा, क्लियर है। और सारी चीज़ों को आप इक्वेट कर लेना अपने हिसाब से, तो यही आएगा फाइनल आंसर। कहीं गड़बड़ी हुई होगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक। मेरे हिसाब से तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, म्यू नॉट 4 पाई यहाँ पास से सही है, ये भी सही है, फिर ये इसकी पावर, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, आई थिंक सो सही है, कोई गलती हुई हो तो बताना। तो इतनी आ जाएगी अपने पास मैग्नेटिक बी नेट इस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे, क्लियर है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्क्रीन पे। एन एलिमेंट डीएल इंटू डीएल, एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू डीएल। इससे पहले इसको एक बार इसका डायग्राम मैं फटाक से बनाए दे रहा हूं रब करके। चलो बन गया है, स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट डीएल ऑफ डीएल, एक डीएल एलिमेंट है हमारे पास डीएल, ठीक है, जो कि इक्वल है डीएल किसके इक्वल है, डीएल इज इक्वल्स टू डेल एक्स इंटू आई, ठीक है, इसके इक्वल है। एन एलिमेंट, एक हमारे पास एलिमेंट है डीएल, इज अ प्लेस एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, एंड कैरीज अ करेंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। एक करंट कैरी कर रहा है, करंट कितना कैरी कर रहा है, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर करंट ये कैरी कर रहा है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, जो इस पॉइंट पी पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड बी को फाइंड करना है, ठीक है ना। उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो अपने को निकालना है। ऑन द वाई एक्सिस ऑफ अ डिस्टेंस एम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस टोटल कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेकर के वहाँ पी पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। ड्यू टू ए एलिमेंट डेल एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ड्यू टू द एलिमेंट डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, डब्ल्यू सेंटीमीटर, ठीक है, डब्ल्यू सेंटीमीटर के दौर पे, ठीक। चलो तो ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो वहां पर जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का निकलेगा वो भी बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी समझ नहीं आए जिसको, तो चलो एक ही स्टेप में मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। हमारे पास एक डेल एल का एलिमेंट है, ठीक है, डेल एल एलिमेंट किसके इक्वल है, डेल एक्स इंटू आई के, ठीक है। डेल एक्स क्या है, डेल एक्स एक एलिमेंट है, डेल एल पूरे कंस्टिट्यूटिवली एलिमेंट है, बट इसमें मेन एलिमेंट बोलेंगे तो डी एक्स, डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेल एक्स के कारण इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अपने को निकालना है, ठीक है। अगर करंट इस एक्स एक्सिस के थ्रू 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नेट निकालना है पी पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस होगा, और आखिरी में डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन वाला केस ना आखिरी में देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी आपके और मेरे बीच में बन जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना वैल्यू क्या आ जाए, अकॉर्डिंग टू अगर बायोट सर्वेट लॉ से,
बायोड सर्वेट लॉ बीएसएल से जो लिखेंगे अब मैं बीएसएल लिख दूंगा, ठीक है ना। बायोड सर्वेट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोड सर्वेट लॉ के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू न्यू नॉट इंटू 4 पाई आई इंटू आर का वेक्टर बाय आर का वेक्टर बाय आर का मॉड्यूल स्क्वायर, ठीक है, यही आ जाएगा अपनी वैल्यू। चलो एक बार चेक कर लो, ठीक है, सही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि अपन तो यहाँ डीएल लिखे ही नहीं यार, डीएल, ठीक, यही होता है। अगर अपन क्या लिखते थे, इसे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो अपने को सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में ही लेके चलनी क्योंकि एक्स वाई एंड जेड प्लेन दे के चाहिए है, तो इसी से अपना डायरेक्शन भी निकलेगा, तो इसीलिए हम सारी चीज़ें एक्स वाई एंड वैक्टर फॉर्म में ही लेके चलेंगे। अपने को डेल एल इज इक्वल्स टू क्या दिया है, डेल एक्स इज इंटू आई, ये वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, डेल एल इज इक्वल्स टू डेल एक्स इंटू आई। अब डेल एक्स की जगह और क्या दिया गया है, डेल एक्स की जगह डब्ल्यू सेंटीमीटर, तो यहाँ पास अपने पास डब्ल्यू की तो वैल्यू नहीं मालूम है, बस एज ए सेंटीमीटर की हम वैल्यू बता सकते हैं, पर पूरा का पूरा इक्वेशन मीटर्स में है, तो सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 10 to the power -2, ठीक है, 10 to the power -2 ये लिख सकते हैं, ये किस में आ जाएगा, अपना मीटर्स में आ जाएगा। तो चलो यार इसको, इस वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, तो अपना डेल एल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 10 to the power -2 इंटू आई। करेंट की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, करेंट की जगह पुट कर सकता हूँ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर पुट कर देते हैं, और फाइनली ये सारी की सारी चीज़ें मेरी किस यूनिट में आ जाएंगी, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और एक्स एक्सिस को किस में वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता था, आई कैप में, ठीक है, आई कैप में, तो सिंपल यहाँ आई कैप लगा दो, क्लियर है, ठीक है ना, इससे अपना डायरेक्शन भी क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा, अब इस वैल्यू को हमें सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है, तो सिंपल सब पुट कर देते हैं, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू आर का वेक्टर बाय आर का मॉड्यूल का मॉड्यूल स्क्वायर। अब यहाँ पास dl की वैल्यू पुट कर देंगे, i की वैल्यू पुट कर देंगे, और r के विथ रिस्पेक्ट टू r की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो अपनी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो इस वाली वैल्यू उसको रब कर दूं, क्या रब कर देते हैं, उसका कोई इक्वेशन भी नहीं है, तो i की जगह क्या पुट कर दूंगा, 10 to the, ये इसकी जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह 10 to the power -7, 10 to the power -7 आई की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2 एम्पियर, 2 पुट कर देते हैं, और dl की जगह पूरा ये वैल्यू उसको पुट करेंगे, मतलब W इंटू 10 to the power -2 इंटू 2, ठीक है, और R की जगह और ये पूरा का पूरी जगह I भी लिखेंगे ना, I, तो I का कैप, और ये पूरा ब्रैकेट में, और R का कैप की जगह क्या आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वो R के कैप में आता है, ठीक है ना, तो R के कैप अपना वाई इज इक्वल्स टू जे आ जाएगा, जे का कैप, तो R क्या आ जाएगा, इसकी जगह J का कैप, चलो ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दिया गया है, तो R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितना है, डिस्टेंस 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, छोड़ो, तो इसको बस एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन अपना आ जाएगा 2 to 4, ठीक, 4 और ये W, तो 4W इंटू 10 to the power -2, और ये -7, तो ये क्या आ जाएगा, -9, ठीक, ये भी हो गया, W भी कंसीडर कर लिए 10 to the power -9, और ये I इंटू जे 11th में पढ़े थे भाई, के क्या, चलो वेक्टर एनालिसिस अभी आप तक ने सही सीखा, तो आप किसी एक्सपर्ट्स की मदद लेके सीख सकते हो, या तो हमारे वीडियो चैनल पे ही रिलीज होगा वीडियो, ठीक है ना, कमेंट के हिसाब से रिलीज करेंगे, तो जिसको वेक्टर का चैप्टर कवर करना है तो वो भी आसानी से कवर करेंगे। चलो तो इतनी मेरी वैल्यू आ जाएगी, और इतना ही मेरा टेस्ला के वेव फॉर्म में रहेगा, तो इतना आ जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा पॉइंट पी पे, क्लियर है। कहीं पास भी थोड़ा भी बहुत डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट कर देना,
अब इस पॉइंट पी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा डायरेक्शन किस तरह आएगा, तो अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करो, याद नहीं है तो फिर से रिवाइव कर लो, पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किए थे। देखो ये वाले फिंगर को थंब को एज ए यूज करते हैं हम करंट की डायरेक्शन में। अब करंट की डायरेक्शन में इसको रखते हैं और जिधर साइड मेरा फिंगर मूव करेगी, इधर साइड तो हो नहीं सकता मूव, इधर ही साइड मूव होगी, और इधर जिधर साइड ये मूव करेगी और जिधर साइड इसका चेहरा जाएगा टर्न जाएगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इधर, ठीक, तो मैं मूव करूंगा मैग्नेट अपने फिंगर्स को तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ बाहर साइड आ जाएगा, ठीक है, बाहर साइड आ जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ये किधर साइड शो करेगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस, बाहर साइड क्या है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और इसी के जस्ट सामने जेड एक्सिस, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में जाएगा अपना डायरेक्शन, ए एक्स आई एस लिख देता हूँ तो भूलना मत। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुरंत कंप्लीट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दूं, हो गया। चलो अब तुरंत स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहला तो स्टेट बायोट सर्वेट लॉ एंड एक्सप्रेस दिस लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, बायोट सर्वेट लॉ लिखो उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। चलो ठीक है, वो अपन आप कर लेना। नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट पार्ट है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉयल पी एंड क्यू, दो हमारे पास सर्कुलर कॉयल है, एक तो P और दूसरा Q, ऑफ रेडियस R, दोनों का रेडियस R है, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ, कैरिंग अ करेंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ठीक है, इसमें कितना करंट है, इसमें P में 1 एम्पियर करंट है, इसमें I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर दिया गया है, अंडर रूट ऑफ 3 एम्पियर। चलो ये क्लियर है। रिस्पेक्टिवली R प्लेस्ड आर प्रेस कॉन्सेंट्रेली एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसको एक दूसरे के एक ही कॉमन सेंटर के अकॉर्डिंग पे रख दिया गया है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल, ठीक, सेंटर ऑफ द कॉयल मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में है, एक एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, एक तो इस तरह दूसरा इस तरह, तो एक्स वाई प्लेन में एक को रखा गया है और एक को वाई जेड प्लेन में रखा गया है, ठीक है, एक को एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, पी को एक्स वाई प्लेन में और इसको वाई जेड प्लेन में रखा गया है। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे, मतलब इस पॉइंट को अगर एज अ ओ मान लेता हूं तो इसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक स्टैटिक्स रहती है, क्या किस पॉइंट पे निकालना है, तो उसके पॉइंट्स के कारण दो रिस्पेक्टिव क्या बना देना है, लाइंस बना देना, ठीक है ना, ये लाइंस नहीं है ऐसा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को डोनेट करने का लाइन तरीका है, ठीक है। तो पी के कारण क्यू पे क्या, पी के कारण क्यू पे क्या एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ऐसा है, और उसी तरह से इसके कारण भी इस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब उन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा बी नेट, यही अपना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, सही है, क्लियर है। चलो तो इसके पी के कारण एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एज अ क्यू के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी ये, तो यहाँ पास बी पी मान लो, ठीक है, और इसके कारण क्यू के कारण एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि बी क्यू मान लो, समझ आए ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ठीक है। अब यूज करते हैं जो जो स्टैटिक्स अपने यूज कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू दी बायोट सर्वेट लॉ यूज किए थे, इस बार एम्पियर सेकेटरी लॉ यूज कर लेते हैं, ठीक है, एम्पियर सेकेटरी लॉ से हम तुरंत ही निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रिंग के कारण क्या थी, बी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, और डी एल इज इक्वल्स टू 2πr, तो बी इज इक्वल्स टू सिंपल लिख सकता हूँ म्यू नॉट बाय इंटू आई बाय 2πr, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। डीएल का इंटीग्रेशन करते थे तो किसके रिस्पेक्ट में करते थे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के रिस्पेक्ट में करते थे, वो कितना होता था 2πr होता था, हम 2πr इस्तेमाल कर लिए, चलो
क्लियर है, यहां तक तो सबको समझ आया होगा होपफुली। तो सेम टू सेम दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, एक किसके पॉइंट पे, पी पॉइंट के कारण, एक पी सर पी रिंग के कारण, दूसरा क्यू रिंग के कारण निकाल लेते हैं। तो पी रिंग के कारण अगर मैं निकालता हूं तो इसी को पी रिंग के कारण मैं बनाए दे रहा हूं, मेरे को ज्यादा इक्वेशंस नहीं चाहिए, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। तो बीपी इज इक्वल्स टू इसमें करंट कितना, बीपी पी रिस्पेक्ट में करंट कितना, आई वन फ्लो कर रहा है, तो मैं इसे एज अ आई वन मान लेता हूं, ठीक है। और ये टोटल इसके इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा। रेडियस यहाँ आर बोला है क्वेश्चन में, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, अपने को कुछ चीजों से लेना देना नहीं है, ये सब चीजें अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट इसे आ जाएगा पहला कि किस कारण से, और एक ये क्या होगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब ये क्या होगा, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वी आर टी आई सी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट ओ पॉइंट, मान लो एट ओ, ठीक, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब सुपर में एक पॉइंट लिख लेना यूजिंग एम्पियर सेकेंडरी लॉ, और सेकेंड एम्पियर सेकेंडरी लॉ कर यूज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। सेकेंडली उसके नीचे लिख लेना फिर कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पी, ठीक है, सर्कुलर रिंग पी, पी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली एक मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू भी प्रेजेंट करेगी इसी तरह से, म्यू नॉट इंटू आई बाय टू पाई और इज इंटू आर। अब यहाँ करंट इसमें कितना हो जाएगा, इसमें क्यू में आई टू करंट फ्लो हो रहा है तो आई टू करंट में लिख दूंगा, क्लियर है, यहां तक का सब सही है, इसे एज इक्वेशन टू मान लो। अब जो हमारा बी मतलब बी नेट जो आ रहा है, तो बी नेट किससे यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तुरंत आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो या फिर क्या होता था हमारा हॉरिजॉन्टल एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो बी नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, याद आएगा पाइथागोरस यूम्स की है, क्योंकि हमें ये रिजल्टेंट ये अपने को इस तरह से मिल जाएगा, क्लियर आया, एक दिम एक क्या आया, एक फोकस मिला अपने को किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है। अब तो बी नेट की जगह फाइनली दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, सारे इक्वेशंस में नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लिख लेना। तो बी पी की जगह क्या लिख देंगे, बी पी की जगह म्यू नॉट बाय फोर पाई इंटू आई वन बाय टू, सॉरी फोर पाई नहीं है, टू पाई आर, आर की जगह कैपिटल आर, फिर से लोचा तो कैपिटल आर का लोचा ले लो, इसका पूरा स्क्वायर, इसी तरह से म्यू नॉट इंटू आई टू बाय टू पाई आर, आर दोनों के लिए आइडेंटिकल है इसलिए दोनों के लिए आर की वैल्यूज को मैं सेम ही लेके चल रहा हूँ, और इसका स्क्वायर। अब इन दोनों चीजों में क्या क्या चीजें कॉमन है ना, उसको एक ही साथ बाहर निकाले दे रहा हूँ, ठीक। तो मेरा बी नेट इज इक्वल्स टू बी म्यू नॉट बाय टू पाई और इंटू आर, ये सब में कॉमन है, तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय टू पाई इंटू आर, ये आ जाएगा बाहर, और ये अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर और प्लस आई टू का स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू। अब I1 और I2 की वैल्यूज पुट कर दो और फाइनली मेरा इक्वेशन आ जाएगा, बट इसे थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसकी जगह मैं थोड़ा सा ना म्यू नॉट बाय 2 पाई लिखा है, तो इसको मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई में चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ऊपर में 2 इंटू कर दो और नीचे में 2 इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 फाइनली कटाई हो जाएंगे, बट मुझे 4 पाई चाहिए थे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसकी जगह अब ये कलेक्टिवली ये पूरा टर्म मेरा क्या बना लेगा, 10 टू द पावर माइनस 7 कॉन्स्टेंट बना लेगा। चलो तो 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 बाय आर की जगह, आर एज डिस्टेंस कितना दिया गया था, रेडियस इसमें बताया गया है, रेडियस क्वेश्चन में नहीं बताया गया, तो आर आई लिख दो, चलो आर आई लिख देते हैं। ये I1 का स्क्वायर एंड I2 का स्क्वायर दिया गया है, तो सिंपल I1 और I2 की वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी दी गई है, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट में सब लेना ना, भूलना मत अंडर रूट। इसके बाद I2 को जस्ट उसका भी स्क्वायर ले लो, तो I2 का 3 का है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है। चल अब इन दोनों को अगर वैल्यूज को सॉल्व करता हूं तो कहां लिख दूं,
इस वाली वैल्यूज को यहाँ पास से हैशटैग डाल लो, हैशटैग को यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। इतने में हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ऐसा लगता है। तो आप ये 1 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 है तो 2 भी लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1, और इसका 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और कलेक्टिवली बाय r, और 1 प्लस ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल दो एक ही बार में, ये 2 इंटू 2 ये टोटल बना लेंगे अपना 4, तो इन दोनों की जगह मैं डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, क्लियर है, माइनस 7 और ये बाय r, तो इसको एक ही स्टेप में मैं लिखे दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय r, और ये अपना टेस्ला और ये बी नेट की वैल्यू आ जाएगी इस ओ पॉइंट पे, समझ आ गया। और अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इसमें बी नेट का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन के लिए यहां पास से लिख लो, इतने में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं, टेन ऑफ थीटा से निकाल सकते हैं। मान लेता हूं ये बी क्यू के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, बी क्यू के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये मेरी वैल्यूज क्या आ जाएगी, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बी क्यू सॉरी बी पी एंड बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अपना बी पी, और बेस क्या आ जाएगा बी क्यू आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल होगा, करंट जो सर्कुलर रिंग्स में रोटेट हो रहे हैं उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है अपना आई के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आई पी बाय आई क्यू, अब ये आई पी में कितना 1 जा रहा है और आई क्यू में कितना अंडर रूट ऑफ 3, तो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 क्या होता है 10 थीटा के रिस्पेक्ट में, ये 30 डिग्री होता है, समझ आया। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, मतलब बी नेट एकदम बी के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना के बाहर निकलेगा। तो ये क्लियर हो गया, तो इसको एक नोट कर लो और अच्छी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, चलो हो गया स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से पढ़ लेते हैं, पहले अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज अ बेंट इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क में एक वायर है हमारे पास जिसका जनरली कितना है 12 एम्पियर का करंट, मतलब 12 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, शुरू में ये स्ट्रेट वायर था पर उसको हम एक सेमी सर्कल फॉर्म में बेंड कर दिए, ठीक है। आर्क ऑफ अ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ ड्यू टू, दो रीजंस देने के, दो ठोक रीजंस अपने को बताना है, स्ट्रेट सेगमेंट के कारण और दूसरा सेमी सर्कुलर आर्क के कारण। इसमें अपने पास रेडियस कितने दी गई, अपने पास रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है ये पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है, ठीक, स्ट्रेट वायर का भी करंट 12 एम्पियर फ्लो कर रहा है, अब ये 12 एम्पियर फ्लो जो कर रहा है तो इसमें दो कंडीशंस अपने पास दी गई जिस पे निकालना है, एक तो स्ट्रेट वायर पे, जहां जहां वायर स्ट्रेट है वहां क्या आ जाएगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या आ जाएगा जिस कंडीशन पे निकालना है, एक आर्क पे निकालना है, इस आर्क पे, आर्क ये दोनों कंडीशंस पे निकालना है, ठीक है, अभी भी समझ आ गया, चलो अब समझ आ गया। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं स्ट्रेट वायर पे, स्ट्रेट वायर को निकालने के लिए सबसे पहले इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए बी और यहाँ सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, इसे ई। अब जैसे अब जहां जहां वायर स्ट्रेट है वो मेरे को सेगमेंट बताओ, हाँ एक तो ए बी सेगमेंट आ जाएगा, दूसरा डी ई सेगमेंट आ जाएगा, यही दोनों सेगमेंट्स क्या है, स्ट्रेट सेगमेंट्स है, चलो तो ए बी एंड डी ई ये दो सेगमेंट्स आ जाएंगे। इन दोनों सेगमेंट्स को आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, मतलब डी एल वैक्टर इंटू किसका
डीएल वेक्टर इंटू आर का वेक्टर क्या आ जाएगा, इसके लिए डीएल इंटू आर इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। मतलब इसमें इन दोनों के बीच में क्या कोई भी डिस्टेंस है ये नहीं, मतलब थीटा की वैल्यू अगर लेके चलोगे, थीटा की वैल्यू अगर लेके चलोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो एज इस पूरे वैल्यूज पे क्या आ जाएगा, जीरो। साइन ऑफ थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा मतलब थीटा जीरो, तो ये पूरा वैल्यू जीरो। तो स्ट्रेट आर्क पे अपना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा स्ट्रेट वायर पे जीरो, तो बी इज इक्वल्स टू इस कंडीशन पे जीरो, क्योंकि यही डीएल इंटू आर ही तो जाके वायर सर्वेट लॉ में यूज किया जाता है, याद आया। चलो नेक्स्ट कंडीशन इसी में बोला है कि एक आर्क पे, ये सर्कुलर आर्क के कारण क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो बताना है। तो सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कुछ इस तरह से, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू आई बाय टू पाई आर, ये आता है किसी भी वायर के एकदम सेंटर पे, यही आता है वैल्यू अपने पास। हाँ भाई यही आता है, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट है दैट अपने पास एक सेमी सर्कल दिया गया है, सेमी सर्कल दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा अपना बी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक, तो चलो तो इसको बी की वैल्यू हाफ, मतलब इधर साइड टू कर रहे हैं तो उधर साइड भी टू उड़ा, ये टू टू उड़ू वाला सिस्टम मत करो। दो मिनट इंक भर लो फिर स्टार्ट करते हैं, हो गया, अब मेरा काम भी हो गया। तो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जो एकदम सेंटर पे आएगा वो क्या होगा, जनरली इसका पूरा इंटू डिवाइडेड बाय टू, जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास सेमी सर्कल की बात की जा रही थी, सेमी सर्कल की बात की जा रही थी, तो पूरा बी बाय टू हो जाएगा। तो बी बाय टू एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते, इसको सिंपल लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट इन अ सेमी सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड इन सेमी सर्कल एट इट्स सेंटर, ठीक है, उसके सेंटर पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पास से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर डिवाइडेड बाय टू। आप समझ आया, मतलब बी बाय टू हो जाएगा, वही तो मैं सबसे पहले बता रहा था अभी से, बी बाय टू हो जाएगा। तो सिंपल सा इसी वैल्यूज को इंटू क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई बाय टू पाई, और यहाँ पास से इंटू टू कर दूंगा, डिवाइडेड बाय टू करने का मतलब तो यही हो जाएगा, ठीक है, नीचे में इंटू कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ये टू इंटू टू फोर पाई इंटू आर बन जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब अपने पास जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको इस वैल्यूज पे पुट कर दो, तो इस वैल्यू के लिए पुट कर देते हैं, तो फाइनल इसको हैशटैग मान लो, हैशटैग को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हैशटैग को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो म्यू नॉट बाय फोर पाई की जगह 10^-7 लिख सकता हूँ, आई की जगह 12 एम्पियर लिख सकते हैं, और आर की जगह, आर अपने पास रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2 × 10^-2 मीटर्स में लेना है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में दिया है तो इसको मीटर्स में चेंज कर दो, और इस फाइनल इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दो, 10^-2 पर जाएगा तो 10^-9 बना लेगा, और यहाँ ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, करेगा डिवाइड करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तो मैं 6 × 10^-9, ठीक, ये डिवाइड हो गया, ये दोनों डिवाइड हो गए, और फाइनल अपने पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज इक्वल्स टू बी नेट इज इक्वल्स टू 6 × 10^-9 टेस्ला। क्लियर है, चलो यहाँ कुछ भी अगर आपको डाउट आया हो कहीं पास भी तो आप इजिली कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको पीना मिल जाएगा। हाँ, एक चीज जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता था कि इस पूरे चैप्टर भर से या फिर इस टॉपिक से जो बोलेंगे, तो इस टॉपिक से चैप्टर वर्स बोलो जहाँ से भी बोलो, अरे इस टॉपिक से बोलो चैप्टर वर्स बोलो जहाँ से भी बोलो, बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, एज डेरिवेशन क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज़्यादा है, तो डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना बोर्ड वाले, हाँ, बट कॉम्पिटिशन वालों के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो उनके लिए न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, समझ आए।
जो दोनों के लिए जिसके लिए जो तैयारी कर रहा है तो वो आप उसके हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक, तो इसलिए मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स का हूँ क्योंकि अपन डेरिवेशन तो पहले ही कर चुके हैं, और इसमें भी कोई डाउट आए तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, और PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसका क्वेश्चंस और इसके चैप्टर्स का PDF डाउनलोड कर सकते हो प्लेलिस्ट पे, और नेक्स्ट वीडियो और इधर साइड से आपका आखिरी प्लेलिस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।